गुजरात के अहमदाबाद से ठगी और धोखाधड़ी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ सोने चांदी के व्यापारी के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो गई है। शातिर जालसाजों ने करोड़ों रुपए के नकली नोट देकर 2 किलो से ज़्यादा सोना ठग लिया है और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। करोड़ों का सोना खरीदने के लिए आरोपियों ने पूरी फर्जी अंगड़िया फॉर्म बनाई, लेकिन जल्दबाजी में जालसाजों ने नोट पर बापू की जगह अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर छपा हुआ देकर चले गए, जिसके बाद मामले का पोल खुला तो कारोबारी ने आनन फानन में स्थानीय पुलिस के पास ठगी की शिकायत की और अब मामला चर्चा में है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक सोने चांदी के बिजनेसमैन मेहुल ठक्कर के पास 23 सितंबर को परिचित लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर का कॉल आया। उसने पूछा कि 2 किलो 100 ग्राम सोना खरीदना है, उसका दाम क्या है। मेहुल पिछले 15 से ज़्यादा साल से लक्ष्मी ज्वेलर्स के साथ धंधा कर रहे हैं, तो उन्होंने भरोसे के साथ 1.60 करोड़ रुपए में सौदा तय कर दिया और दूसरे दिन सोना भिजवाने का वादा किया। दूसरे दिन यानी 24 सितंबर को लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर ने मेहुल को फ़ोन करके कहा, एक पार्टी को तुरंत सोना चाहिए और RTGS नहीं चल रहा है, इसलिए वह सोने के एवज में सिक्योरिटी अमाउंट देंगे और उसके बाद दूसरे दिन RTGS से रुपये भेज देंगे। साथ ही ये भी कहा कि गोल्ड खरीदने वाले CG रोड पर एक अंगड़िया फर्म में होंगे और वहीं पर लेन देन करेंगे। व्यापारी मेहुल ने तुरंत अपने स्टाफ से एक आदमी को 2 किलो 100 ग्राम सोने लेके CG रोड पर भेज दिया। मौके पर 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक के पास नकदी गिनने की मशीन भी थी, दूसरा शख्स सरदार जी के गेटअप में था और तीसरा शख्स फर्म के बाहर बैठा हुआ था। सोना खरीदने वाले दोनों आदमियों ने 1.30 करोड़ रुपए के नोट सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखे और कहा कि आप सोना दीजिए, उसके बाद बाकी के 30 लाख दूसरे ऑफिस में ला कर देंगे। मेहुल के स्टाफ ने सोना देने के बाद जब नोट देखे तो वह नकली थे। हैरानी की बात यह है कि नोटों पर महात्मा गांधी के बदले फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर छपी थी और RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजॉल्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। सूचना लगते ही तुरंत व्यापारी मेहुल मौके पर पहुंचे और आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की तो पता चला कि यहां अंगड़िया फर्म भी नहीं थी, 2 दिन पहले ही किसी ने इसको शुरू किया था। वहीं जिस व्यक्ति ने लक्ष्मी ज्वेलर्स का मैनेजर बनकर संपर्क किया था उसको कॉल किया गया तो फ़ोन बंद मिला। इसके बाद ठगी का एहसास होते ही व्यापारी मेहुल ठक्कर ने नवरंगपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। हैरानी की बात यह है कि जो आदमी नोट गिनने का मशीन लेकर खड़ा था वो भी इस मशीन की डिलीवरी करने आया था और उन दोनों ठगों को नहीं जानता था, जिसके आधार पर पुलिस ने आसपास के CCTV से छानबीन शुरू की और आरोपियों को खोजने के लिए एक टीम बनाई। खैर, अहमदाबाद सिटी पुलिस के मुताबिक ठगों का शिकार बने पीड़ित कारोबारी का नाम मेहुल ठाकुर है। वो शहर के मड़ेक चौक इलाके में सोने का कारोबार करते हैं। उन्हें फंसाने के लिए आरोपियों ने एक जटिल योजना बनाई थी, जिसमें उन्होंने शहर में फर्जी दफ्तर भी खोला। यहीं पर गोल्ड की डिलीवरी की गई। पुलिस ने बताया कि जालसाजों ने पहले कारोबारी से संपर्क कर 2100 ग्राम सोना खरीदने के लिए डील की और 24 सितंबर को CG रोड स्थित कुरियर फर्म में गोल्ड डिलीवर करने को कहा। ठगों ने यही ठक्कर के ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को रकम कैश में देने की बात कही। वादे के मुताबिक कारोबारी ने सोना डिलीवरी कर दिया और यहीं पर मशीन की मदद से कैश रकम भी गिन ली गई। इसके बाद आरोपी 30 लाख रुपए और लाने का बहाना बनाकर मौके से फरार हो गए। जब कर्मचारियों ने प्लास्टिक कवर खोला तो उसमें नकली नोट पाए गए, जिन पर अनुपम खेर की तस्वीर थी। दुकान किराए पर लेकर फर्जी ऑफिस खोला। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच में कुरियर फर्म फर्जी निकली और पता चला है कि कुछ लोगों ने इस दुकान को किराए पर लिया था, लेकिन कोई वैध रेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।